आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी की रेसिपी, वो भी एकदम अलग अंदाज में, जिसमें ना गैस की ज़रूरत ना मिक्सर चाहिए। बिना बिजली, बिना फेटे, बिना मशीन, इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। बस एक कुकर और घी बन गया। कुकर से घी निकालने का पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, आप जरूर चेक करिएगा फ्रेंड्स। कुकर से घी का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें ना टाइम लगेगा ना ही हाथ दर्द करेंगे। और एक खास बात, उसी मलाई से हम पनीर भी बनाएंगे। मिठाई तो लाजवाब बनती है मलाई से, मतलब मलाई एक, और क्या क्या बनेगा वो देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका कोमल कुकिंग बुक में बहुत बहुत स्वागत है। यह मैंने 10 से 11 दिन की मलाई ली है। मेरे घर रोज 1.5 लीटर दूध पैकेट वाला आता है, उसी की मलाई है। मलाई को मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे मलाई बिल्कुल भी खराब, मतलब स्मेल आना, मलाई में कड़वापन, कलर चेंज होना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मलाई फ्रेश रहेगी तो हमारा घी भी खुशबूदार बनेगा। मैं यहाँ मलाई से घी निकालने के लिए कुकर का इस्तेमाल करूंगी, वो भी बिना गैस जलाए एक सरल तरीके से। अब कुकर में 1 टिफिन की मलाई डाल लेते हैं। एक साथ में ढेर सारी मलाई नहीं डालना है, आपका कुकर कितना बड़ा है उसके हिसाब से ही मलाई डालें। देखिए मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, एकदम फ्रेश है। अगर आप मलाई फ्रीजर में रखते हो तो उसे फ्रीजर से निकाल लें 2-3 घंटे पहले। यहाँ पर थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जो नॉर्मल टेम्परेचर का है। अगर आप गर्मी के दिनों में बना रहे हैं तो एकदम चिल्ड वाटर या आइस क्यूब इस्तेमाल करें, जिससे घी एकदम थिक बनेगा। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा लेना है। तो फिर अब बिना गैस जलाए मलाई से घी कैसे निकलेगा, यही अगर आप सोच रहे हो तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखते रहें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, मतलब खास होने वाली है। यहाँ पर हमने एक बास्केट, मतलब जो फ्रूट की टोकरी होती है, उसे लिया है और ये सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। और टोकरी में कुकर को बिठा देंगे, नहीं, रख देंगे और इस तरह से घिसते जाएंगे, मतलब चलाते जाएंगे और कंटिन्यू इस तरह से करते जाना है। दोस्तों आप घड़ी में देख लेना, बस 2 मिनट में ही इस तरह से लगातार चलाने से आपका घी निकल आएगा। और इस टाइप से हम कुकर को चलाते हैं ना तो हाथ भी दर्द नहीं करते, क्योंकि जब हम मलाई को हाथ से फेरते हैं तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है और अगर आप चाहो तो पूरी प्रोसेस इसी कुकर में कर सकते हो। यहाँ पर मेरी बास्केट थोड़ी छोटी है, अगर बड़ी बास्केट होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कुकर छोटी टोकरी में इधर उधर फिसलता है। तो हो सके जहाँ तक आप थोड़ी बड़ी बास्केट का ही यूज़ करें। और आप चाहें तो आप ये प्रोसेस डायरेक्ट फर्श पर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुकर और फर्श दोनों खराब होते हैं। फर्श पर कोई सा भी कपड़ा या किचन टॉवेल या ऐसा कोई सा कपड़ा रखते हैं तो कुकर उस पर अच्छे से नहीं फिसल पाता है, जिससे हमें दिक्कत होती है। तो मैं टोकरी का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मलाई से घी निकल आया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट घी बना है हमारा। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर मक्खन कढ़ाई में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में घी भी बना लूँगी और इसी कढ़ाई में मिठाई भी बन जाएगी हमारे आगे। अगर आपके पास ज़्यादा मलाई नहीं है और एक बार में ही सारा मक्खन बन गया है आपका, तो आप इसमें ये जो दूध पानी निकला है इसे निकाल दें और घी इसी में बना लें, बहुत ही आसानी रहेगी, मतलब ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर सारा घी निकाल लिया है मैंने। अब दूसरे टिफिन की मलाई भी इसी में डाल दूँगी और टिफिन में थोड़ा सा पानी लेकर बस इसको धो लूँगी। मैंने कुकर से पहले का दूध पानी नहीं निकाला है और उसी में मलाई डाली है, और सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे टाइम का भी मक्खन निकाल लिया है मैंने। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है हमारे लिए। अब सारे मक्खन को कुकर से कढ़ाई में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है कुकर से। अब कढ़ाई के मक्खन में जो थोड़ा बहुत दूध पानी बचा है उसे निकाल लेते हैं, ताकि घी पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब यहाँ पर कुकर को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो इसके आइट साइड में घी लगा है उसको भी अच्छे से निकाल लेना है। कुकर में अब जो ये दूध पानी है उसे फेंकना नहीं है, इसे एक महंगी चीज़ बन सकती है, पनीर। तो इससे मैं एक पतीले में डाल रही हूँ, तो इसे मैं पनीर बना रही हूँ, तो इसे मैं एक पतीले में डाल रही हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, नहीं तो मैं कुकर में ही बना लेती पनीर, तो कुकर में आप अच्छे से देख नहीं पाते, इसलिए मैं पतीले में डाल रही हूँ। तो फाइनली ही दोनों चीज़ों को मैंने गैस पर बनने रख दिया है। घी गर्म हो रहा है तब तक हम पनीर बना लेते हैं। इस दूध में एक अच्छा सा उबाल आए तब तक उबालना है। दोस्तों यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना है कि ये जो दूध है इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा पनीर कड़वा बनेगा। आप टेस्ट करके ही पनीर बनाना इसका, वरना मत बनाना, टेस्ट नहीं आएगा। इधर बीच बीच में घी को भी चलाते जाइएगा ताकि घी तले में चिपके नहीं। अब दूध में बढ़िया सी उबाल आ गई है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नींबू का रस डालकर भी इसे फाड़ सकते हैं।
मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा विनेगर डालकर इसे चलाते जा रही हूँ। चलाने से पनीर के बड़े बड़े टुकड़े नहीं फटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, जिससे कि आपकी जो पनीर बने वो बहुत ही परफेक्ट जम जाए। बिल्कुल ही मार्केट से आप रेडीमेड पनीर लाते हो ना, वैसे ही बने। तो यहाँ हमारा दूध फटने लग गया है, तो इसमें थोड़ा विनेगर और डाल रही हूँ ताकि दूध हमारा परफेक्ट फटे। तो देखिए दोस्तों, दूध हमारा फट गया है। इसे फाड़ने के लिए 1 चम्मच विनेगर यूज़ हुआ है। अब पनीर को सूती रुमाल या कपड़े से छान लेते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। पनीर को एक बार साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि हमने विनेगर डाला था वो थोड़ा खट्टा होता है, तो हमारे पनीर में खट्टापन नहीं रहे, इसलिए इसको धोना ज़रूरी है। अब कपड़े को इस टाइप से फोल्ड करते हुए पनीर का सारा पानी निचोड़ लेंगे। इसका सारा पानी निकाल लिया है मैंने, और अब आपको दिखाती हूँ कैसा बना है पनीर। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। इसको रुमाल में इस प्रकार दबा दीजिए जिससे ये चिकना हो जाए, मतलब बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना रहे और हमारा पनीर एकदम चिकना चिकना जमे। और इसके ऊपर एक भारी सामान रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इधर घी भी चेक कर लेते हैं। घी बनकर तैयार हो चला है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। इसको मैं बीच बीच में चलाती गई थी ताकि इसकी खुरचन ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी खुरचन से आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाकर दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप कभी भी खुरचन वेस्ट नहीं करेंगे। 5 से 6 मिनट लग गए इसको बनने में, क्योंकि उधर मैं पनीर बना रही थी तो घी को मैंने एकदम कम आंच पर रखा था, नहीं तो 2-3 मिनट में ही बन जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बबल्स आने लग गए हैं और इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। हमें इसकी खुरचन को ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे जैसे घी ठंडा होता जाएगा खुरचन अपने आप बढ़िया कलर ले लेगी। तो गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, घी हमारा ठंडा हो गया है और खुरचन का कलर देखिए मस्त आया है, ऐसा ही चाहिए था मुझे। अब घी को छान लेते हैं। तो बारीक तार वाली छलनी का ही यूज़ करें, जिसमें आप घी स्टोर करते हो उसमें छान लीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ये 1 किलो इतना घी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही करते हुए मैं सारा घी छान लूँगी। ये जो डिब्बा है मेरे पास, ये 1.5 किलो घी का डिब्बा है, क्योंकि कभी मैं खरीद के लाती हूँ तो पूरा घी इसमें ही डालती हूँ। और मैं हमेशा देसी घी, मतलब मार्केट का घी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं घर का देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो जब भी मैं खरीद कर लाती हूँ तो ये टिफिन पूरा भर कर ही लाती हूँ, तो इसमें समथिंग 1.5 किलो घी आता है। समझ लीजिए, मतलब 1 किलो इतना घी है, या तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या परफेक्ट भी हो सकता है, मतलब 1 किलो घी है ये। मतलब ऐसे ही करते हुए मैं सारा घी छान लूँगी। इतनी खुरचन भी निकली है, मुझे तो मज़ा आ गया खुरचन देखकर, क्योंकि खुरचन की मिठाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो चलिए दोस्तों, घी तो बन गया, अब मिठाई बना लेते हैं। मैं वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ जिसमें घी बनाया था, अब उसमें खुरचन डाल देते हैं। खुरचन को थोड़ा गर्म कर लेते हैं और इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें तोड़ लेते हैं ऐसे, और बाकी के टुकड़े जब हम दूध डालेंगे तो सॉफ्ट होकर टूट जाएंगे। ये अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। यह मैं 1 गिलास से कम दूध डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 से 2 गिलास दूध भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इस दूध को खुरचन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे मीडियम। हम इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक कि इसमें बबल्स जैसे आने नहीं लग जाए। देखिए बबल्स जैसे नज़र आने लग गए हैं, और इसको पकाते पकाते अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से ही डालें, मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अब इन चीज़ों को मिला लेते हैं एक बार। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं ताकि जो हम मिठाई बना रहे हैं ये काफ़ी टेस्टी बनने वाली है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। फ्लेवर के लिए 1 इलायची के दाने डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एकदम दानेदार बना है। अगर आपको ऐसा दानेदार पसंद नहीं है तो आप खुरचन को एक बार मिक्सी में चला लें, उसके बाद मिठाई बनाएं। बहुत ही शानदार कलर आया है, आप देख सकते हैं। मिश्रण बनकर तैयार हो गया है हमारी मिठाई का। अब गैस बंद कर देते हैं और मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हल्का सा ठंडा करना है ताकि हाथों में गर्म ना लगे। फ्रेंड्स, मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है, उंगली लगाने पर गर्म नहीं लग रहा है मुझे। अब हाथों में थोड़ा मिश्रण लेकर इस टाइप से लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, गोल या इस टाइप से लंबे लंबे, किसी भी टाइप में आप बना सकते हैं। खुरचन में घी ज़्यादा रह जाता है तो हाथों में कितना घी आ गया है देखिए। ऐसे ही मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। देखिए हमारी मिठाई बन गई है। इसमें से 2 पीस तो बनाते बनाते टाइम ही गायब हो गए थे, मतलब मेरे बच्चे खा गए थे। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये खाने में।
और दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल मिल्क केक जैसा टेस्ट आता है इनका। तो देखा आपने, मलाई से हमने घी भी बना लिया, पनीर भी बना और मिठाई भी बना ली। तो मिठाई तो हमारी रेडी हो चुकी है, इंजॉय कीजिए। अब पनीर चेक कर लेते हैं। इधर पनीर भी अच्छे से सेट हो गया है, देखिए बहुत ही शानदार बना है। इस पनीर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की यह स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही में आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें, और पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।